वेलकम अगेन। और एवरी फ्राइडे हमारे साथ होते हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। मैं अगेन इनको वेलकम करती हूँ रुक साहब अगेन जी। और बकरा ईद के बाद लोगों ने खाया बहुत ज्यादा गोश्त, ऑफकोर्स आपकी चटनी तो बहुत जबरदस्त है, फक्की भी बड़ी जबरदस्त है, लेकिन ऑफकोर्स लोग जो है ना वो जरा वैसे है कि बस जल्दी कुछ हो जाए। हाँ, तो आप अपनी वो बताएं ना कि ये कैप्सूल खाएं तो अल्लाह हमारा सारा खाना डिसॉल्व हो जाए। अच्छा, जादू बताएं ना कुछ मैजिक। जी जी बिल्कुल, हमारे जो है वो अस्करी गोल्ड है जी, अस्करी ब्राउन है, जिसका काम ये है कि ये फौरी तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, निज़ाम हज़म बेहतर हो जाता है, आप जो कुछ खा रहे हैं वो बड़ी जल्दी हज़म भी हो जाता है और उससे मुख्तलिफ मसाइल जो पैदा होते हैं वो पैदा नहीं होते और आपको गैस्ट्रिक और कब्ज़ और एसिडिटी से आपको निजात मिलती है। तो ये एक तो फौरी तौर पर इमरजेंसी में ये हमारा अस्करी वाटर है, ये तो मैं कहती हूँ डॉक्टर है ये छोटा सा। जी बिल्कुल, ये तकरीबन 100 मसाइल जो हैं वो आपके हल करते हैं। अगर ये किसी घर में मौजूद है तो यकीन माने जिन लोगों के घर में मौजूद होता है वो कहते हैं कि जनाब हम बहुत मुतमईन है कि अस्करी वाटर हमारे घर में है, कि जो एग्जैक्ट बिल्कुल अक्सर लोगों के जेब में बैग में ये रखा होता है और जैसी नज़ला हुआ फौरी तौर पे दो कतरे लिए और लगा लिया, दांत के ऊपर लगा लिया। अगर कोई दांतों में दर्द हुआ, निज़ाम हज़म में ख़राबी हुई, इंडाइजेशन है, जलन हो गई, मेदे में कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई, ये फौरी तौर पर, या वमटिंग, कॉलरा, डायरिया की कैफियत हो गई तो ये फौरी तौर पर जो है ये आपको रिलीफ देगा। इसी तरीके से आपके कानों में कोई है प्रॉब्लम हुई, आपने एक दो कतरे छोटी उंगली में लगा के कानों में लगा लिया, जस्ट सेकंडों में ये आपका दर्द ख़त्म है। जोड़ों का दर्द, गर्दन का दर्द, स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, कहीं दाना, एक्जिमा, कोई फोड़ा फुंसी निकल रहा है, जैसे इस मौसम में ऐसी कैफियत होती है कि बहुत ज़्यादा लोग खा भी लेते हैं और उसके असरात चेहरे पे भी आते हैं नौजवानों के, ख़ास तौर पर कि उनके दाने निकलते हैं, तो ये दानों पे थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए, दाने चंद लम्हों के बाद जो है वो नज़र नहीं आएंगे इतनी जल्दी, इतनी रैपिडली ये जो है इसका असरात है। सर दर्द है, किसी किस्म की उबकाइयाँ वगैरह आ रही हैं तो फौरी तौर पर इसके चंद कतरे जो हैं वो आपको तमाम परेशानियों से निजात दिला देंगे। यार ये एक डॉक्टर आपकी पॉकेट में है, ये डॉक्टर या हकीम आपकी पॉकेट में है, समझे ना, आपके पर्स में है। तो हाँ। लोग अक्सर कहते हैं कि जरा उसकी साहब बस ये अस्करी वाटर खत्म होने वाला है, हम परेशान हो गए हैं, हमें जल्दी से अस्करी वाटर भेज दीजिए, तो फौरी तौर पर जो है वो हमारा राइडर जाके उनको अस्करी वाटर देकर आ जाता है। तो नाज़रीन बात यह है कि अस्करी गोल्ड कैप्सूल हैं, वो ज़बरदस्त हैं, वो आपके फौरी तौर पर यानी भूख लगाने में माहिर है। क्या आपका पेट भरा हुआ है, आपने एक दो कैप्सूल खा लिए, आपको एक डेढ़ दो घंटे के बाद दोबारा से भूख लगना शुरू हो जाएगी। अच्छा। निज़ाम हज़म को बेहतर करता है, जिगर के फाइल को बेहतर करता है, खून बनाता है और आप जो कुछ खा रहे हैं वो आपको जुज़्वे बदन आपके करता है। अच्छा, अभी एक बात हो रही थी कि ग़िज़ा में यानी जो आप खाना पका रहे हैं उसमें ख़ास तौर पर किन चीज़ों का एहतमाम रखा जाए। उसमें नाज़रीन आप लहसुन, अदरक, ज़ीरा, पुदीना ये लाजमी उसमें शामिल रखें। जैसे आप कबाब बनाते हैं तो कबाब चीज़ों के बगैर नामुकम्मल है, बिल्कुल, तो उसमें पुदीना, ज़ीरा, अदरक, धनिया, कलौंजी का शामिल करिए या अजवाइन थोड़ा सा डाल लीजिए, तो उससे टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा और उसको हजम करने में भी आप कबाब वो परेशानियाँ नहीं होंगी। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि दही का इस्तेमाल लाजमी रखें, लस्सी बना लीजिए, लस्सी पिए। आजकल मौसम इतना हो रहा है क्योंकि ये सावन भादो मौसम है कि जी सबकी उर्दू हाड़ का मौसम है, सावन भादो दोनों बड़े सुपर्ब है। मैं इनसे बहुत एहतियात से बात करती हूँ क्योंकि इनकी उर्दू माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त, क्योंकि ये शायरी भी बहुत अच्छी करते हैं इसीलिए मैं इनके उससे सुन रही होती हूँ कि कहीं मेरी पकड़ ना आ जाए। और देखे ना कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कह दिया कुछ तड़का तो कहती नहीं भगा, तो इनका एक्सेंट और इनकी नॉलेज उर्दू में अदब में बहुत जबरदस्त, ग्रेट, बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह। तो ये भगार भी इसी तरह है जैसे हींग का भगार दे, ओए होए उसकी खुशबू, बिल्कुल, करी पत्ता, जीरा और हींग, नट करी पत्ता, करी पत्ता, करी पत्ता, देखा ना अक्सर लोग करी पत्ता कहते हैं, असल नाम है करी पत्ता, करी कहते हैं सब्जी, अच्छा समझे ना, सब्जियों को यानी ये करी पत्ता जो है इसका बहुत सारे इसके अंदर
फवाइद मौजूद हैं, इसमें आयरन है, कैल्शियम है, इसमें विटामिन सी है, B2 है इसमें, तो ये करी पत्ता जो है ये और बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है, तमाम बहुत किया जाता है, और ख़ास तौर पर इसका कहवा, करी पत्ता का कहवा बना के पिए, इसमें आप पुदीना, सुहांजना, अजवाइन ये डालिए और इसको बॉयल कर लीजिए, इसमें अदरक का शामिल कर सकते हैं, और ये खाने के बाद जो है शुगर वालों के लिए भी बड़ा जबरदस्त रहेगा, बिल्कुल शुगर के मरीजों के लिए, किडनी फेलियर के जो किडनी के डायलिसिस पेशेंट हैं, अगर वो इस चीज़ों का इसका कहवा बना कर इस्तेमाल करते रहें तो उनको किडनी बहुत हद तक बेहतर होना शुरू हो जाता है। और ये इनके लिए भी बेहतर है जिनको अल्लाह ना करे यूरिन में जो स्टोन वगैरह छोटे छोटे हो जाते हैं, अगर इस तरह की भी ये चीजें अगर हम लोग रेगुलर कच्ची लस्सी, करी पत्ते का कहवा इस तरह यूज करें तो हमारा काफी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मौसम असल में इस मौसम में पसीना बहुत आ रहा है, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है, यानी पानी की जो है वो कमी वाक़ हो रही है, जिसकी वजह से भी लोगों के अंदर घबराहट, बेचैनी, परेशानी, एलर्जी, स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं, ख़ारिश का ख़ास तौर पर जो है इस मौसम में दाने निकलना, छपाकी जिसे कहें, ठीक है, तो वो चीज़ जो है उसके लिए नाज़िन ये हमारा है फेमिनाइन, ठीक, मस्कुलाइट और फेमिनाइन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जो जिस्म पर आप नहाने के दौरान में इस्तेमाल करें, तो मैस्कुलिन मर्दों के लिए है, फेमिनाइन फीमेल्स के लिए है, नहाने के बाद जिस्म पूरे जिस्म पे लगा लें, थोड़ी देर लगा रहने दें, फिर उसके बाद पानी डाल लीजिए, ये और ना भी लगाएं तो वो तो वैसे ही अब्सॉर्ब हो जाती है सर, अगर पानी ना भी उसके बाद फिर भी थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा ताकि उससे उसका वो खत्म हो जाता है। फिर जिन लोगों को पाइल्स है, अगर पाइल्स है तो ये थोड़ा सा लेके ना अजाबत वाली जगह पे लगाएं, रोजाना 2-3 दफा लगाएं तो ये पाइल्स का प्रॉब्लम भी कवर होना शुरू हो जाता है। इस तरह स्क्री वाटर भी पाइल्स के प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है। तो सर एक वो भी तो बताएं आपने, जैसे अब मीठे में जैसे हम लोग लौकी, आपको पता है बहुत फायदा देती है, उसका जूस बना के लोग पीते हैं, तो लौकी को कद्दूकश करके क्या हम मीठे में बना सकते हैं, अलैची वगैरह डाल के? बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं, देखिए इन दिनों वैसे यूज करना चाहिए। लौकी का सूप जो है, लौकी का जूस, सूप, जूस, सूप का मतलब ये है, बनाएं उसको, पका लें, बॉयल करें, बॉयल करने का पहले तो उसको क्रश कीजिए, बिल्कुल बारीक, कद्दूकश कहते हैं उसे, बिल्कुल बिल्कुल कद्दूकश करके उसे बारीक कर लीजिए, बॉयल कर लें, बॉयल करके जो उसका पानी है वो आप एक कप में डालें, बाकी को बाकी में आप नमक, मिर्च वगैरह, जीरा वगैरह शामिल कर लें, दही में शामिल कर मिला लें, लेकिन रायता बन जाता है, तो इसको आप उसका जूस जो है वो पीने से आपका मैदा भी साफ रहेगा, आपका जिगर बेहतर रहेगा और आपके मैदे और जिगर की गर्मी भी रफा होगी। क्या बात, अगर ये एक कप रोजाना आप पिए तो उससे जिन खवातीन को लेकोरिया का शिकायत है वो लेकोरिया की शिकायत ख़त्म होना शुरू हो जाती है, हड्डियों का जो कैल्शियम है, प्रोटीन जो हड्डियों में कमी वाक़ हो जाती है वो नॉर्मल होती है, आपकी आंतों का इन्फेक्शन, आंतों में जो किसी किस्म की वर्म स्वेलिंग, पेट का दर्द, उस वो रफा होता है। हफ्ते में कितनी बार हम इस जूस को पी सकते हैं? मैं कहता हूँ कि रोजाना अगर एक कप बना के पिए हम तो गलोले लाल हो जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल, आप सुर्ख सफेद हो जाएंगे, और ये फिर ये तोरी, ये जिगर को कहते हैं ठंडा करती है। अच्छा, दूसरी बात है तोरी, तोरी भी बहुत, एग्जैक्टली, तोरी बहुत जबरदस्त चीज है, अगर तोरी को भी बारीक करके उसको आप उसका भी इसी तरीके से सैलड के तौर पर या दही में मिलाकर, ठीक है, बारीक करके उसको डालें, बॉयल करने के बाद तोरी का बॉयल करके उसमें वो डालें रायते के तौर पर, वो बहुत लाजवाब है। और कद्दू भी बहुत फायदेमंद है, और कद्दू में चुकंदर के पत्तों के साथ अगर सब्जी बनाई जाए ना सर, हाँ, बहुत लजीज बनती है। चुकंदर के पत्ते, मूली के पत्ते, बहुत मक्को का साग, सुहांजना, सुहांजना, मको, कासनी, ओए होए होए, कुल्फा, चुलाई, आप पूरी सब्जी की दुकान हमने खोल लिया। लेकिन सर ये सब फायदा देती है सर, ये मुझे आप ही ने सिखाया ना, मुझे तो इतना मतलब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि ये सब चीजें, लेकिन इसको इतना पकाने का जो एक है स्टीम में पकता है ताकि उसकी खूबसूरती। वैसे भी आपके साथ तो है, मेरा ख्याल है कोई 10-12-15 साल से तो प्रोग्राम कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह,
और इन प्रोग्राम्स में हमने बहुत सारी यानी किचन भी बन में भी काम बिल्कुल, किया बिल्कुल, किचन कुछ में भी। रेसिपीज भी तैयार करके दिखाई और ऐसी ऐसी अमेजिंग किस्म की जो आज तक किसी ने नहीं बनाई, मिसाल के तौर पर प्याज की खीर है ना, एलोवेरा की खीर यही बना सकते हैं, एलोवेरा कवार की खीर, इन्होंने सब्जी में भी एलोवेरा डाला है बिल्कुल, ऐसा क्या नहीं आपको याद है ग्रेवी के तौर पे बहुत ज्यादा, और वो भी फ्रेश एलोवेरा फ्रेश, और उसका टेस्ट आपने देखा किस कदर वो टेस्ट। प्रॉब्लम ये कि ये मुझसे पकवाते हैं इसलिए मैं ना कहती हूँ मैं नहीं बना रही, तो ये कहते हैं कुकिंग आप करोगी फिर मैं आपके साथ करूँ, ये जरा बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं नहीं पका रही, वरना शेफ शेफ को क्योंकि वो नई चीज है उनका माइंड वैसा नहीं होता, नहीं, वो शेफ नहीं कर सकते, उसकी वजह ये है कि इतने इतने अरसे में आपका माइंड मेकअप हो चुका है और मेरे साथ जो है ना आपका एक जो पकाने का सिलसिला है वो आप उसकी लंप को कहते हैं ना उसकी जड़ को पकड़ती हैं। चले अब ये सारी मोहब्बतें ना अस्करी साहब की मुझे मजबूर कर देती है अगली डिश आपके साथ, ठीक है, एक्सक्लूसिव, लेकिन टाइम पे आने 5-10 मिनट पहले, ओके, ताकि आप अच्छी तरह डिश को भी प्रेजेंट कर सके और आपकी, क्योंकि देखिए आपकी बड़ी प्यारी नॉलेजेबल गुफ्तगू होती है तो वो जब नाजरीन तक पहुंच नहीं पाएगी ना तो वो रह जाएगा, तो हम ये जो लौकी का जो है रायता भी बनाएंगे, एग्जैक्टली लौकी का रायता, लौकी का सालन भी बनाएंगे, लौकी का हलवा वो भी बता बस देंगे, कर काम ना ले लौकी का सालन विद समांजना, ठीक है, गुड हो गया, और उसके साथ लौकी का रायता, ये आपको बताएंगे कि यकीन करें लौकी का रायता के बेनिफिट्स, आप जब दही में उसको ऐड करते हैं हल्का सा बॉईल करके, उसका पानी हम सब्जी में डाल दिया और आपने लोग और हल्का सा इतना उसको हार्श उबालना नहीं है, वन बॉइल बहुत है, कद्दूकस आपने सब कुछ तो यही बता दिया, वहाँ क्या करेंगे लेकिन आपके साथ इंशाल्लाह जरूर सर। बात यह है कि नाज़रीन वक्त की किल्लत के बाइस मैं आपको चंद चीजें अहम बताता चला जाता हूँ, ये हमारी जितनी प्रोडक्ट हैं इसमें अस्करी ग्रीन, अस्करी ग्रीन जो है 22,000 न्यूट्रिशन है उसमें, वो दुनिया का बेहतरीन इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाली दवा है, इसमें 101 जो है कंपोनेंट मौजूद हैं, इसी तरीके से हमारा जो है ये क्रीम है जिसको हम मैजिक क्रीम कहते हैं, ये मैजिक क्रीम जो है चेहरे की कील झाइयाँ दाग धब्बे जुड़ियाँ जले हुए का निशान ऑपरेशन के निशानात को ख़त्म करती है और आपके जो मल्टी कलर है चेहरे पर उसको नॉर्मल करके आपको फेस को एक कलर में लेकर आती है, ग्लो कर देती है, और ये जोड़ों का दर्द, स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स, एक्जीमा, हर किस्म का एक्जीमा, सोरायसिस और गैंग्रीन, चंबल, तमाम बॉडी की जो है कैंसर तक को, ये हमने कैंसर के मरीजों को जिनको बहुत ज़्यादा चेहरे पे हमने देखा कि उनके होल बन गए और या फोड़े पुसियाँ हो गई या बेड सोल्स हैं, उस उनको ये कवर करने में बुनियादी किरदार अदा करती है, ये समझे कि ये आपके हुसन जमाल को भी कायम रखती है, आपको रिवर्स एजिंग की तरफ ले आती है और फुल बैरी के निशानात जो जिनके हैं फुल बैरी हो जाती है, बर्स जिसे कहते हैं लेकोडर्मा, तो उनके लिए जो है ये क्रीम जो है बहुत ज़बरदस्त है, इसके असरात दिन लम्हों में आप देखना महसूस करना शुरू कर देंगे कि आपकी स्किन जिनकी लटक जाती है झुरियाँ पड़ जाती हैं उस स्किन को लिफ्ट करके करती है और आपको अपनी एज से 10 से 15-20 साल तक पीछे ले जाती है। वाह भाई वाह, मेरी जितनी ये प्रोडक्ट हैं ये प्रोडक्ट मार्केटिंग नहीं हम करते, उसकी वजह है कि हम चाहते हैं कि इसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, फ्रेश माल लोगों तक पहुंचे, हम कोरियर के जरिए राइडर के जरिए आपके घर तक ये दवाएं पहुंचा देते हैं, ऑनलाइन मुझसे मशवरा लीजिए, ऑनलाइन मुझे आप चेकअप करवाएं और ऑनलाइन ही आपको ये अद्वियात आपके घर तक पहुंचती हैं, इसलिए मार्केट में ढूंढने की जरूरत नहीं है। इनका कहने का मकसद ये हर जगह शॉप पर अवेलेबल नहीं है, आप इनके नंबर स्क्रीन पर मौजूद है और आप इनके नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए, ये डायरेक्ट आपको डिलीवर की जाएंगी कराची में, ऑफकोर्स रक्सा मौजूद है गुलस्तान जौहर और मिलेनियम के पास, लेकिन जो लोग आउट ऑफ सिटी में रहते हैं वही परेशान ना हो, व्हाट्सएप पे इनका ताल्लुक हो सकता है, आपसे कनेक्शन होगा व्हाट्सएप पे, आप अपना बायोडाटा या जो भी आपके रिपोर्ट्स वगैरह वो इनको डिलीवर करें, कॉन्टेक्ट करें और गुफ्तगू करें, अपनी सारी बात बताएं, इंशाल्लाह ताला आपको जब बेनिफिट होगा तो आपका दिल करेगा आप खुद
यहाँ पर खुद ही मौजूद हो जाएंगे। लेकिन मेरे को ऐसा महसूस होता है कि आप सर आप तो आउट ऑफ कंट्री में भी तो भेजते हैं, लोग करते हैं, दुनिया भर में जाती हैं इसकी हमारी प्रोडक्ट। आपको मतलब है कि ऐसा महसूस होगा कि जब आप वीडियो कॉलिंग पे अपनी बताते हैं परेशानियां कि देखें जी मेरे चेहरे पे ये प्रॉब्लम है, मेरे चेहरे पे, और फिर खासतौर पे खवातीन का एक बहुत बड़ा मसला, दो मसाइल बहुत बड़े होते हैं, एक उनके चेहरे पे जो फाजिल बाल होते हैं, समझिए ना, वो ये करीम हमारी मैजिक करीम फाजिल बाल को ख़त्म करती है। दूसरा ख्वातीन जो जिससे और परेशान होती हैं वो ब्रेस्ट ग्रोथ का प्रॉब्लम आ जाता है, ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम आता है। ये ब्रेस्ट पे जब आप लगाएंगे तो ये ब्रेस्ट को नॉर्मल करेगी, ब्रेस्ट के अंदर से कैंसर को का असरात को निकालेगी, और जिन ख्वातीन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट ग्रोथ बहुत बढ़ चुके होते हैं उनको अपनी कंडीशन में वापस ले आएगी। रसोलियाँ हो जाती हैं, कुछ लोगों को नहीं पता चलता है बेचारियों को, तो ये लगाने से इसका अंदरूनी तौर पर जो है जितने भी रसोलियाँ हैं या अंदर कोई क्लॉटिंग है या किसी किस्म का इन्फेक्शन है कैंसर वगैरह का, ये पूरे तरीके से उस उसको बॉडी से निकाल देती है। और ये एक दफ़ा ये सिर्फ ये होता है कि चंद जगहों पर खासतौर पर हम रिकमेंड करते हैं कि इसको शहरक पे लगाएं, और जैसे ही आप इसको शहरक पे लगाते हैं ये फौरन खून में हल हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देती है, खून की में से टॉक्सिन्स निकालती है और खून को फ्रेश और ताकतवर बना देती है, जो कि पूरी बॉडी में जब खून सर्कुलेट करता है तो जहाँ जहाँ कोई बीमारियाँ छुपी हुई हैं जो आपको आने वाले वक्त में परेशान कर सकती हैं वहाँ से उन बीमारियों को, जरासीम को, हड्डियों तक में से जो है ये कैंसर वगैरह के असरात जो है वो उनको निकाल कर पूरी बॉडी की क्लिंजिंग कर देती है, और पूरा बॉडी आपकी जो है फ्रेश हो जाती है, यानी तमाम बीमारियों से पाक। सही, आपने कैसे क्रिएट किया? आप जब ऐसे बात करते हैं ना मैं खुद एकदम सरप्राइज हो जाती हूँ कि यार ये क्या कि एक ऐसी प्रोडक्ट, लोग अक्सर मैंने देखा इंजेक्ट करवाते हैं इंजेक्शन वगैरह तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व, जैसे हड्डियों का प्रॉब्लम या लेट्स सी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जब आप एक्सटर्नल यूज़ करें जस्ट लाइक जैसे बाम या कुछ भी चीज़ क्रीम लाइक तो आप यूज़ करें और उसके बाद वो ऐसा आपको विदाउट एनी साइड इफेक्ट आपकी पूरी बॉडी को इंडिकेट कर रही है और ढूंढ रही है और उसको सॉल्व कर रही है, बल्कि बॉडी के अंदर जो एलोपैथिक अद्वियात से पैदा होने वाले साइड इफेक्ट्स हैं उन तक को वॉश कर देते हैं। रियली? बिल्कुल। और आपने अभी कहा ना इंजेक्शन, देखिए नाज़रीन बात यह है कि ये वाइट लाइट एक हमारा स्प्रे है, ठीक है, अच्छा लोग मेथाथियोन जो है उसके इंजेक्शन लगवाते हैं बाहर जाकर, दुबई में भी जाते हैं, बाहर ममालिक में जाते हैं, यहाँ भी लगा रहे हैं लोग, समझिए मेथाथियोन जो है वो बॉडी में जाता है और उसके बाद जो है वो स्किन कलर वाइट करना शुरू कर देता है। अच्छा उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत है, मेथाथियोन जो इंजेक्ट कर रहे होते हैं उसको ब्लड कैंसर, खास उसकी इंस्ट्रक्शन भी होती है धूप में नहीं जाए एसी में रहे, और ब्लड कैंसर हो जाता है, मुख्तलिफ ऐसी कबाते हैं कि जनाब हर दो तीन महीने के बाद आपने फिर लगवाना है और सारी जिंदगी आपको लगवाते रहना है, वरना आप अगर नहीं लगवाएंगे तो अपनी असल रंगत से भी स्याह हो जाएंगे, और अल्लाह ने कोई अगर इम्यून सिस्टम कम है या कोई मदाफत नहीं तो बीमारी भी लग सकती है। ये है ये ऑर्गेनिक है, ओके, नेचुरल फॉर्म में हमने बनाया है, इसके दो से तीन स्टेप जो है ये आप जुबान के नीचे लगाएंगे, ठीक है, इसमें विटामिन सी भी है और इसमें ऐसी ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो मैं वक्त की कमी के बाइस नहीं पूरी डिटेल बता सकता, मगर ये जरूर है कि ये आपके लीवर को एक्टिवेट करता है, लीवर के फंक्शन को बेहतर कर देता है, विटामिन सी की कमी बॉडी से पूरी कर देता है, वो करता है पूरे बॉडी के जो ब्लड सेल्स हैं उसमें को नरिश कर देता है, और यूं स्किन जो है वो आपकी पूरी बॉडी की स्किन वाइटनिंग की तरफ आना शुरू हो जाता है, जब चेहरा ही नहीं पूरी बॉडी जबरदस्त पूरी बॉडी को वाइटनिंग की तरफ ले आता है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वाह, तो ये जो है ऐसी चीजें हैं कि जो आपको बहुत सारे मसाइल से भी निकाल देती है, और ये नहीं है कि जनाब ये जब तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक आपका फेस आपकी बॉडी वाइट है जब छोड़ देंगे, नहीं, ये पूरी नेचुरल उसमें लेकर आएगा और कभी भी आप दोबारा अपनी स्याही रंगत की तरफ नहीं आएंगे। बहुत से बड़े बड़े लोगों के मुख्य पैचेज होते हैं, जी हाँ जी, आप इसका एक से दो ये इस्तेमाल कर लें, हो सकता है एक बॉटल में भी किसी का बहुत सारे रिजल्ट आते हैं, एक बॉटल में एक एक स्टिप है, ये तकरीबन एक जो है तकरीबन एक से डेढ़ महीना दो महीने बहुत आराम से ही चलता है। रियली? एक स्टिप बहुत है।
जी हाँ, एक स्ट्रिप देते हैं हम, एक से दो स्ट्रिप कहते हैं। सर पॉजिटिव बात ये है कि एक तो उसका साइड इफेक्ट नहीं है, पॉजिटिव बात है कि इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जी वो ज्यादा आप एसी में, आप किसी बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सके एसी तो वो नहीं करे, आपकी गाड़ी में एसी हो, आपके ऑफिस में एसी हो, आपके घर में एसी हो, ये सारी जो है ना रिस्ट्रिक्शन से आप क्लियर है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत इजीएस्ट एंड नॉर्मल है और बहुत चीपेस्ट है, कोई इतना महंगा नहीं है। इंजेक्शन से, इंजेक्शन तो दगवाते हैं लोगों, एक एक लाख लाख डेढ़ डेढ़ लाख दो दो लाख रुपया खर्च करते हैं और हर दूसरे तीसरे महीने जा जाके दूर उसको रिपीट कर रहे होते हैं, वो ऐसा हो जाता है कि जैसे अब आप, और एक लड़की ने लगाया था उसका पूरा मुंह सूज गया, रियली उसके बिल्कुल साइड इफेक्ट है, बिल्कुल है। और उसमें बहुत सारे, क्या जरूरत थी, ब्यूटीशियन थी, उन्होंने अपने आप को सिर्फ फेयर करने की कोशिश की, उन्होंने इंजेक्शन लगवा दिया और वो क्या हुआ उसका, क्या बोलूं, सेल हो गया पूरी, एग्जैक्टली बबल गम बन गया था। अच्छा एक और चीज है, यस दूसरी चीज ये कि अभी चूंकि हमारा तो मौजूद सर आपका फोन भी घरे जा रहा है, कसम खुदा की चुप ही नहीं कर रहा, बिल्कुल क्या करें, वो नाज़िन मेरा नंबर बता रहे हैं, मुझे बराए करम दो दो जो है दो बजे के बाद आप मुझे कॉल कीजिए, नमाज के बाद जुम्मा है ना, दो बजे के बाद, ताकि फिर मैं आपको आराम से तमाम आपके मसाइल को सुनूं और आपको डिटेल में जवाब दूं, जी हाँ बताऊं क्या हल है, क्या परेशानी है आपकी। इंशाल्लाह इस वक्त कॉल करने का मकसद ये है कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ और मेरा मोबाइल मुसलसल बज रहा है, तो मैं ये वायरल जो मैसेजेस हैं आप वॉइस कॉल के जरिए अपनी मुकम्मल मर्ज मुझे भेजें जिनके पास व्हाट्सएप है, और इसी तरह जो मैं आपको एक और चीज़ एड्रेस तो पहले बताइए फिर आप आगे चलिए। बिल्कुल मैं इस तरफ आता हूँ कि मैं इस वक्त आजकल कराची में हूँ, कराची में मेरा मतलब जो है वो राशिद मिन्हास रोड गुलिस्तान जौहर, एक साइड पे गुलिस्तान जौहर है, दूसरी साइड पर है गुलशन इकबाल, गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A में ग्लैमर मॉल है, ग्लैमर मॉल लासानिया रेस्टोरेंट से पहले आता है, तो लासानिया बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है, ग्लैमर मॉल में मैं मेरा विजिट है, तो सुबह बैठता हूँ 11 से 2 बजे तक और शाम 4 से रात 9 बजे तक है मेरा मतलब, और इसी तरीके से मैंने ईद पैकेज दिया हुआ है। वाह जी वाह, जी हाँ ये ऐलान करना मुनासिब है ताकि लोग और भी सरप्राइज हो जाएं कि जो मेरी 1000 फीस है उसमें मैंने 50% डिस्काउंट दिया है, 500 रुपया रखा है, इसी तरह कुछ अद्वियात में मैंने 50% डिस्काउंट रखा है, कुछ में मैंने 25% डिस्काउंट रखा है, अस्करी मैजिक करीम जो है इस पर भी मेरा डिस्काउंट है, ये 18,000 की करीम है, ठीक है, और इस पर मैंने 3,000 का डिस्काउंट किया हुआ है, ये 15,000 की करीम, लेकिन ये लिमिटेड टाइमिंग, एग्जैक्टली बिल्कुल ये टाइमिंग मैं नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे मरीजों ने कहा कि जी बारिशों की वजह से जुलाई के एंड तक और बकरीद की मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके तो 30 जुलाई तक जो है ये डिस्काउंट है और इससे आप फायदा उठाएं। अगस्त से दोबारा ये इसका जो रेट है वो एक्सपेंसिव। अब बाज़ हकदार ऐसे मरीज भी होते हैं, मुस्तहिक और हकदार होते हैं कि वो ये भी चीजें नहीं हमें अदा कर सकते, इसकी भी कीमत अदा नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं बहुत खास तौर पर सिर्फ हकदार लोगों के लिए, मुस्तहिक के लिए। एक साहब आए थे मेरे पास, हाथ में गाड़ी की चाबी थी और कहते थे जी मैं मुस्तहिक हूं, हकदारों का हक मार रहे हैं तो आपकी बख्शिश नहीं होगी, आप ये ना करें कि नहीं जी मैं हकदार हूं, मैंने कही चाबी की ये तो मेरी गाड़ी की है, तो मैंने कहा जिसके जो हकदार होते हैं बेचारे गाड़ी भी पैदल होते हैं, वह ऐसे आते हैं कईयों की उनकी जूतियां टूटी हुई होती हैं, बेचारे परेशान हाल होते हैं, ये तो फिर वो लोग उनका भी हक मार दिया ना जिनको जरूरत है। लेट्स सी, हम लोग बात कर रहे थे आज स्टमक पर और डॉक्टर साहब ने रेलेवेंट टू हर चीज बताई कि आप अपनी हेल्थ को भी अच्छा कर सकते हो, खूबसूरत भी लग सकते हैं और आप अपने अंदर आपके ऑर्गन्स जो है वो एक्टिव होंगे तो आप ऑफकोर्स अच्छे होंगे, और उससे रेलिवेंट उन्होंने मेडिसिन भी बताई। बात करेंगे हम स्टमक की, बात कर रहे थे डॉक्टर साहब आज बहुत अच्छी आपने चटनी भी बताई, फक्की भी बता दी और जो गोश्त खा रहे हैं कहवा भी बड़ा अच्छा जबरदस्त, उसको आप इनटेक कर सकते हैं। अच्छा वैसे ड्रिंक भी बताए ना, कुछ लेमन की उसमें कुछ पुदीने के पत्ते, वो भी तो मतलब भूल जाते हैं आप सारा। आप ऐसा करें कि एक तो 21 पत्ते पुदीना, ठीक है, ये जूस भी बताए ना कि ड्रिंक, कुछ लोग होते हैं ना सोडा सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, ये ना लें सॉफ्ट ड्रिंक तो वैसे भी आपका लिए पॉइजन है, सॉफ्ट ड्रिंक यानी जिसे आप सोडा वोडा इस्तेमाल होता है वो तो आपके मेदे और जिगर के लिए, और काला नमक
जीरा भुना हुआ ले लीजिए, भुनाए और उसमें जीरे का थोड़ा सा वो डालिए, ठीक है, चुटकी काला नमक चुटकी डालिए, लीमू तकरीबन अगर बड़ा है लीमू तो आधा डालें, ठीक है, और छोटा तो एक लीमू इस्तेमाल करें। बारीक कर लीजिए आप पुदीने को, बिल्कुल बारीक करके उसका पानी निचोड़ लीजिए और उसमें अदरक जीरा और काला नमक लीमू का इस्तेमाल रखें और इसको बतौर खाने के बाद जो है ड्रिंक का इस्तेमाल रखें। वैसे भी दिन भर में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से इमली का पानी फिर मैं बताऊंगी ना, मुझे डांट देंगे, भूल नहीं, आलू बुखारा भी है यस आप बताइए, इमली का पानी, आलू बुखारा, यस, चार पांच आलू बुखारा लीजिए, थोड़ी सी इमली लीजिए, उसको भिगो दे, उसको अच्छी तरह मसल के उसमें गुड़ शामिल कीजिए और उसमें आप थोड़ी सी कलौंजी का या अजवाइन का अजाफा कर लीजिए और उसका पानी बनाइए, उसमें मसल करना, उसमें पानी डालिए और सुबह निहार और शाम पी लीजिए। अच्छा, ये यूरिक एसिड का भी बेहतरीन हल है, इससे यूरिक एसिड भी आपका बेहतर हो जाएगा, आपका स्टमक भी बेहतर होगा, आपका यूरिन प्रॉब्लम जो है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, आपका लीवर जिगर में जो हेपेटाइटिस के असरात हैं, यरकान के जॉइंटस के आपके असरात हैं वो भी साफ़ होना शुरू हो जाएंगे, आपका कॉन्स्टिपेशन भी रफा होगा। ये जूसेस हैं जो आप इस्तेमाल करें। इसी तरीके से एलोवेरा लीजिए, घी कवार का को बारीक कर लीजिए, उसका गुदा निकालिए, उसमें पुदीना शामिल कीजिए, उसमें जो है आप थोड़ा सा चीनी या गुड़ शामिल करके उसको बिल्कुल बारीक करके मैश करके उसका जूस बनाएं और उसका जूस इस्तेमाल कीजिए। वो भी आपके पेट आंतों और उनके लिए कब्ज़ वगैरह के लिए बहुत लाजवाब चीज़ है। वक्त ख़त्म हो रहा है, आखिरी लम्हों में एक आखिरी बात मैसेज करता हूँ कि आप इस ईद को ज़रूर इंजॉय कीजिए मगर सेहतमंदी के साथ, आप बीमारियों ना पालिए इस ईद पर, बल्कि जो जो आपको इस प्रोग्राम में मैंने आपको हदायत दी हैं उस पर अमल करें, गोश्त भी खूब खाएं और सेहतयाब भी रहें। यकीन मानिए कि ये बकरीद का अल्लाह ताला ने एक सिलसिला जो बांधा है, इसमें आपका अपना हिस्सा अपने हक को इस्तेमाल कीजिए, रिश्तेदारों को इसमें बुलाइए, गरीबों को भी याद रखिए और यही ईद का सही मज़ा होता है कि आप सब मिलजुल कर ईद का एहतमाम भी करें और रज़ा इलाही के लिए सारे काम होते हैं। सुभान अल्लाह। आप मेरे चंद अल्फाज जो हैं इन पर अमल करते रहिए तो इंशाल्लाह दुनिया और आखरत दोनों संवर जाएगी। बहुत शुक्रिया रुख साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक इनसे तो मैं इजाज़त चाहूँगी लेकिन छोटा सा इन्हीं का है बताया हुआ नुस्खा है जो फ्रूट्स में, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक अंगूर ऑफकोर्स बहुत जूद हजम एक फल है, आड़ू भी है लेकिन बहुत सॉफ्ट है, जूसिक टाइप का है, फाइबर इसमें बहुत है, तो आप अगर खाने के बाद कभी आपका दिल करे थोड़े से भी अंगूर आप उसको क्रश करें, उसमें हल्का सा काला नमक डालें, उसका जूस पिए, आपको मंड की नींद आएगी और वो आपका जितना खाना है ना वो सब हजम हो जाएगा। ये इनकी रेसिपी मैंने बता दी, भूल गई हूँ, और बहुत ज़बरदस्त है, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा और मुझे दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।